हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर सामने आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और यहाँ पर ऑल इंडिया एलिजिबल रहेगा दोस्तों इसके लिए। एंड साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी ग्रेजुएट अगर है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, तो वो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकली हैं, 465 पोस्ट यहाँ पर आपके सामने आई हैं। इसलिए हम यहाँ पर पूरा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, देखेंगे स्टेप बाई स्टेप एंड सभी प्रोसीजर्स को जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकें। ऐसे ही यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदर यूट्यूब जो है वीडियो कंटेंट भी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन पर है, एंड सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम डेट्स एंड ऑल। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है अब ये 15/6/2021 को यहाँ पर इस नोटिस को जारी किया गया है, लेकिन जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपका 19/6/2021 से अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, हम आज ही आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आप एक थम्स अप जरूर दें वीडियो को एंड शेयर कर दें इस वीडियो को। साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो क्लोजिंग डेट होगी आपकी वो सिर्फ 2/7/2021 तक ही रहेगी दोस्तों यहाँ पर, तो काफ़ी कम समय होगा एंड इसके बीच आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग डेट आपको दे दी गई है 6/7/2021 तक, ये है जो है क्लोजिंग डेट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ पर नीचे दे मिलेगी, वो भी हम देख लेंगे। तो वो आपको यहाँ पर अगस्त में जो है इस के एग्ज़ाम के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर रहेगा तो उसे आप खुद भी रीड कर पाएंगे। बाकी मैं आपको जो भी मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा, उसको मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता चलूँगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 400 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दोस्तों। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 400 पोस्ट रहने वाली हैं, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और साथ ही 65 पोस्ट जो हैं दोस्तों यहाँ पर फीमेल्स के लिए होंगी, एंड जो हरियाणा में जो सही है दोस्तों वो यहाँ पर ग्रुप सी में काउंट किया जाएगा, यहाँ पर ये भी बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको URL एड्रेस दिया गया है जिसके थ्रू आप जाकर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये अप्लाई लिंक जो है दोस्तों वो 19/6/2021 से ही स्टार्ट होगा एंड 2/7/2021 तक ही रहेगा। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में है जो आप सभी के लिए होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है दोस्तों आप सभी के लिए, वो यहाँ पर ध्यान में देंगे कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट बताई गई हैं एंड क्वालिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर बताई गई है। पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से यहाँ पर दोस्तों 400 पोस्ट जो निकली हैं सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, वहाँ पर जनरल के लिए पोस्ट होंगी आपकी 144, SC के लिए होंगी 72, एंड यहाँ पर BC की बात करें तो यहाँ पर 56 होंगी। BCB के बारे में बात करें तो 32 पोस्ट हैं। EWS की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, 40 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। एंड इसके अलावा आप ESM वगैरह भी आप देख पाएंगे स्क्रीन पर यहाँ पर आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो आप सभी के पास दोस्तों सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, और या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही आपको मैट्रिक जो आपकी 10th होती है दोस्तों, उसमें हिंदी या फिर संस्कृत कोई एक जो है सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, अगर हम फिजिकल फिटनेस में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो 170 जो है सेंटीमीटर जो है आप ध्यान में रखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और 168 जो है अदर कैटेगरीज के लिए। साथ ही चेस्ट का लिए आपको भी यहाँ पर मेजरमेंट्स दी गई हैं, 83 सेंटीमीटर जो है अनएक्सपेंडेड मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद जो है फुलाव के बाद जो है आपके 4 सेंटीमीटर जो है वो उसके ऊपर इंक्रीज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। बाकी गर्ल्स में आप देख सकते हैं नीचे आपको पूरा यहाँ पर बायोडाटा यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके एज क्राइटेरिया के बारे में बात की गई है, 21-27 साल का जो है यहाँ पर आप इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर डिस्कस करें तो वो होगा आपके लिए पे स्केल दोस्तों। पे स्केल सभी के लिए यहाँ पर जो है बेसिक पे स्केल आपका होगा वो 35,400 से लेकर 1,00,000 जो है यहाँ तक होगा। लेवल 6 में काउंट होगा, शेल 1 में या अंतर्गत आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फीमेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट हैं वो आप देखेंगे। जनरल के लिए 24 हैं फीमेल्स में, एंड SC के लिए 12 हैं, BCA के लिए 09 है, BCB के लिए 05 है, एंड SC ही EWS के लिए 6 हैं। बाकी आप यहाँ पर ऑनवर्ड आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10वीं में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत जरूर होनी चाहिए। फीमेल्स की हाइट क्या होनी चाहिए या फिर उनके जो भी मेजरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे अच्छे से। फिजिकल मेजरमेंट्स के बारे में बताया गया है, एज वही है 21-27 साल के बीच जो है आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल जो है आपका वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी दोस्तों, आपके
जो फीस रहेगी फॉर्म एप्लीकेशन के लिए, तो वो आपकी मिनिमल फीस है दोस्तों यहाँ पर 150 रुपये जो है मेल्स कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर ओनली 75 रुपये रहने वाले हैं। नेक्स्ट ये सिर्फ जनरल के लिए हैं, बाकी SC BC अदर कैटेगरीज के लिए सिर्फ 3518 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। एक्स सर्विस मैन अगर है कोई तो कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर से इसमें अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ नोट करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट होगा, उनके डाउट्स भी काफ़ी से जो है वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे साफ इन्होंने ने बोला है कि ये जो पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर मेल के लिए यहाँ पे जो बात हुई है, ये एक ओल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर जिसका नाम नंबर रखा गया था उस टाइम 6/2019, तो वही है जो ओल्ड जो है वो रीओपन की गई है, और यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स को दोस्तों अब अप्लाई करने की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेश अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फीस है वो ओनली वन टाइम में ही पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही उन सभी को छूट दी जाएगी अगर वो ओवरेज हो चुके हैं, या फिर जो भी अगर उनकी और कोई इशू है तो उनको एक मौका दिया जाएगा, एक एक जो है स्टेप उनका इंक्रीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फी में और एज में द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन इन फीस एंड एज टू द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2019। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पे लिखा गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होगा तो वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी ओवरेज हो चुकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक चांस आपको ज़रूर से यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट है वो है, ज़रूरी है क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे ज़रूर जानेंगे। तो नॉन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आपका सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन इसमें रहेगा। तो अगर हम बात करें टेस्ट के बारे में, तो जिसको इन्होंने नाम दिया है KT बोले तो नॉलेज टेस्ट यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसकी यहाँ पे आपका 80% वेटेज होगा। 80% वेटेज में क्या मतलब रखा गया है वो देखते हैं। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, एंड यहाँ पर ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 0.8 मार्क्स का होगा। और इसमें एक बात बता दूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है हरियाणा में नहीं होती है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट होगा, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एंड जो आपका लैंग्वेज होगा पेपर का वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे जो पेपर होगा वो ऑफलाइन पेपर होता है, इसमें OMR sheet बेस्ड। एंड इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो डिटेल में यहाँ पे आपके लिए सिलेबस बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टेस्ट पेपर जो सिलेबस होगा उसमें जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग आएगी आपकी, और एप्टीट्यूड आएगा। इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, और जो भी आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जो भी आपका जनरल टॉपिक्स हैं वही आएंगे। साथ ही अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कि 10 क्वेश्चन जो है आपके वो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा, तो उसको भी आपको ज़रूर से तैयार रखना है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। उसके अलावा जो है आपका रीजनिंग, GK GS एंड एप्टीट्यूड रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। बाकी थोड़ी सी हरियाणा GK जरूर से पढ़ के जाएं, क्योंकि हरियाणा GK अक्सर इन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका अगर आप पेपर में क्लियर कर जाते हैं कट ऑफ पे, तो आपके लिए यहाँ पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए दोस्तों। तो फिजिकल में आपके यहाँ पर सब बोला गया है कि 7 गुना जो है आपकी वैकेंसीज हैं उनसे 7 गुना ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। फिजिकल के लिए यहाँ पर क्या होगा वो हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो ऊपर बात कर ही ली है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दौड़ना होगा उसमें बात की है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ध्यान में रखेंगे 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ना होगा, फीमेल्स को यहाँ पर 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा, और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। ये जो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा क्या जानने को है, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है सारा। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब आप बोलेंगे 80% वेटेज जो है आपके यहाँ पर टेस्ट के थ्रू हो गई। एंड यहाँ पर जो एक चीज़ ध्यान देंगे, फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट है दोस्तों वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, उसमें आपका कोई भी जो है कट ऑफ में नंबर नहीं ऐड होगा, तो 80% वहाँ से। उसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स आपकी वेटेज यहाँ पर दी गई है, 10 नंबर का जो होगा दोस्तों वो आपका, अगर आपके पास कोई भी हायर डिग्री है जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यहाँ पर साफ बोला गया है, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री है लॉ में तो आपको यहाँ पर 4 नंबर इसके मिलेंगे, या फिर किसी साइंस डिग्री है, फोरेंसिक मेडिसिन में डिग्री है तो, अगर मास्टर डिग्री हैं आपके पास तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा 3 नंबर आपको प्रेस पोस्ट ग्रेजुएट के नाम के मिलेंगे अगर आप हो तो। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पर इन चीज़ों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे NCC में अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो मैक्सिमम 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से इन 10 नंबर को बांटा गया है, तो आपके टोटल नंबर जो है 90 हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें अगले 10 नंबर कैसे होंगे, तो वो मिसलेनियस 10% वेटेज 10 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 5 5 नंबर आपके अगर आपने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं शैल बी गिवन इफ़ नाइदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट, जो अगर किसी एप्लीकेंट के फादर या मदर या स्पोज ब्रदर नहीं हैं, या फिर अगर आपने जो है
पीएचडी या फिर पी एमफिल वगैरह भी कर रखी हैं तो भी आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे अलग से। तो यहाँ पर नेक्स्ट 5 नंबर जो होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए विडो है या फिर जो भी फादर डाइड हैं या एक्सपायर हैं कुछ भी हैं तो उसके नाम के यहाँ पर इनके नंबर दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से है जो आपको 20 नंबर अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ यहाँ पर 80 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे एंड 90 मिनट होंगी, ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो भी 20 क्वेश्चन है वो आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ से रीड कर सकते हैं। जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स लगानी पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना होगा ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने बोला आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कैसे होगा, तो एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है वो साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। तो एग्जामिनेशन जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा एंड जो वो आपका 1 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हेल्ड होगा तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है। एंड इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जुलाई के लास्ट वीक में आपको इजीली मिल जाएगा, तो साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वो सभी आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हरियाणा की तरफ से यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप सभी ज़रूर से अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पर अगर कुछ जानने का है इंपॉर्टेंट तो वो हम आपको ज़रूर से शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, एंड कौन कौन से जो हैं कुछ जिनमें से आपको यहाँ पर सेल्फ जो है यहाँ पे अटेस्टेड करने होंगे, तो वो चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर से लगाएं, इससे आपको नंबर मिलेंगे एंड ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हो चुका है। एंड उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी नोटिफिकेशन से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल चुकी होंगी, अदरवाइज़ आप जो है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं www.hssc.government.in पर जाकर। बाकी आप डेट्स का ध्यान में रखेंगे क्योंकि काफ़ी कम समय में जो है आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वगैरह जमा करनी होगी, अप्लाई करना होगा। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी एंड उम्मीद करते हैं आप ये को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो होप यू ऑल इन्जॉय दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।